अपना चैप्टर टू रीड कर रहे हैं फ्रॉम टेरिटरी, जिसमें जो अंग्रेज़ थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी बनकर भारत आई थी, उन्होंने भारत के काफ़ी बड़ी टेरिटरी पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उन्होंने देखो इतनी बड़ी टेरिटरी को संभालने के लिए, इतने बड़े प्रदेशों को, इतने सारे प्रदेशों को संभालने के लिए किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा अपनाया। सिविल सर्विस स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस वर मेड टू मैनेज द इंडियन टेरिटरीज आफ्टर 1853। सिविल सर्वेंट्स वर सिलेक्टेड थ्रू ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हेल्ड इन लंदन। देखो भारत में जो सिविल सर्विसेज थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था जो भारतीय क्षेत्र हैं उनका प्रबंधन अच्छे से करना। 1853 के बाद जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो लंदन में उन एक प्रतियोगिता एग्ज़ाम के द्वारा चयनित किए जाते थे या चुने जाते थे। प्रायर टू दिस, इससे पहले जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो सिविल सर्वेंट्स के नामों का की घोषणा करते थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे वो इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। द पुलिस असिस्टेड द कलेक्टर इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो पुलिस थे वो कलेक्टर की कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती थी। जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो थानों में डिवाइड किए गए थे और हर थाने का इंचार्ज दरोगा होता था। गांवों और शहरों में कोतवाल और चौकीदार होते थे। जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और पुलिस था वो पुलिस फोर्स का मुखिया था। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक नया प्रशासन को स्थापित करना। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो प्रशासनिक इकाइयों में बटी हुई थी जिनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे मुख्य रूप से तीन प्रेसिडेंसियां थी और हर पर जो गवर्नर था, एक हर प्रेसिडेंसी पर एक गवर्नर शासन करता था और गवर्नर जनरल भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था भारत का और उन्होंने न्याय के क्षेत्र में बहुत सारे जो सुधार हैं, प्रशासनिक सुधार वो लाए। ठीक है, अब देखो न्याय क्षेत्र में क्या कुछ सुधार लाए गए या फिर क्या कुछ चेंजेस लाए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वो एस्टेब्लिश्ड। 1772 से ही न्याय का एक नई प्रणाली स्थापित की गई। हर थाने को में दो तरह की कोर्ट बनाई गई। एक क्रिमिनल कोर्ट जिसमें जो क्राइम से रिलेटेड जो केस थे उनकी सुनवाई होती थी जिसको हिंदी में फौजदारी कहा जाता था, और एक सिविल कोर्ट दीवानी अदालत जिसमें जो गैर आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई होती थी। मौलवीज और हिंदू पंडितों ने जो भारतीय कानून थे उनकी व्याख्या की किसके लिए, जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे जो कोर्ट्स में जज के रूप में अध्यक्षता करते थे। जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो अब भी काजी और मुफ्ती के अधीन थे, लेकिन ये काजी और मुफ्ती के जो निर्णय थे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के निरीक्षण में काम करते थे। ठीक है, इन 1775 में 11 पंडितों के एक समूह को कार्य दिया गया ताकि जो हिंदू कानून है उनका एक वो संग्रह बनाए, और एन बी एल हेड ने इन हिंदू कानूनों के संग्रह को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1778 में जो मुस्लिम लॉ थे उनको भी यूरोपियन जजों के लाभ के लिए इनको भी क्या किया गया, संग्रहित करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, और इसके साथ साथ एक सदर निज़ामत अदालत थी उसमें भी जो याचिका के लिए एक कोर्ट थी उसकी स्थापना की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर। हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यूज एंड टैक्सेज एंड मेंटेन लाइन ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। हिज ऑफिस द कलेक्टरेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब देखो किसी भी जो भारतीय जिले का मुख्य अधिकारी होता था कलेक्टर, उसका मुख्य काम होता था रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। किसकी मदद से? जजेस, पुलिस ऑफिसर और दरोगाओं की मदद से कानून व्यवस्था बनाए रखना। उसका जो ऑफिस था उसको कलेक्ट्रेट कहा जाता था और अब ये कलेक्ट्रेट शक्ति का केंद्र बन गया था। द कंपनी आर्मी, कंपनी की आर्मी कैसी थी देखो। द पावर ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। भारत में जो उपनिवेशवाद की जो स्थापना हुई थी वो सेना के सहारे पर ही की थी अंग्रेज़ों ने। इन द 18th century द कंपनी बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ऑन आर्मी। इट स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स टू आर्मी एंड ट्रेनिंग दैम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। दिस केम
टू बी नॉन एज सेपॉय आर्मी। अब देखो 18वीं शताब्दी में जो कंपनी थी उन्होंने अपनी सेना के लिए भर्तियां करनी शुरू कर दी। उन्होंने किसानों को आर्मी में या फिर सेनाओं में भर्ती करना शुरू किया और उनको कुशल सोल्जर्स की ट्रेनिंग भी दी। और इस तरह जो भारतीय सिपाहियों की जो आर्मी थी उसको सिपॉय आर्मी कहा जाता था। नेक्स्ट बेटा, एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, द कैवलरी रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। अब देखो वॉरफेयर जो युद्ध नीति थी वो 1820 के बाद क्या हो गई, बदलने लग गई। इसलिए जो घुड़सेना थी उसकी आवश्यकताएं कम होने लग गई। द सोल्जर्स ऑफ कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखो पहले जब राजा युद्ध लड़ते थे तो कैवेलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन अब जो कंपनी के जो सोल्जर्स थे वो समय के साथ जो बदलती हुई आवश्यकताएं थी सेना की उनके साथ उनमें भी बदलाव आ रहे थे। और अब इसकी जो पैदल सेना थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। इन अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगिन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर मतलब एक समान जो सैन्य संस्कृति थी उसकी स्थापना की। जो सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके जो अनुशासन के नियम होते थे वो भी पहले से ज़्यादा नियमित होते थे। ठीक है, अब एक बार तो इसमें प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि जो भारत में जहाँ पहले जात पात बहुत ज़्यादा होती थी यहाँ पर जात पात को हमेशा इग्नोर किया जाता था। स्पेशली जो लोग जो अंग्रेज़ थे वो सिर्फ सेना की तरफ ध्यान देते थे, वहाँ पर वो ऊंची जात और नीची जात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण जो ऊंची जाति के जो सोल्जर्स होते थे उनमें थोड़ी सी इन्फीरियरिटी आ जाती थी कि हमें तो नीचे जाति के जो सैनिक हैं उनके साथ काम करना पड़ता है। कॉन्क्लूजन क्या निकला है, देखो द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर द अबाउट 63% ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड 78% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंबाइंड विद इट्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी पॉपुलेशन ऑफ द एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इज कंट्रोल। अब देखो जो कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी से अब एक क्या बन गई थी, एक क्षेत्रीय कॉलोनियल शक्ति बन गई थी। मतलब यहाँ पर इसने अपने बड़ी मात्रा में उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। 1857 तक जो कंपनी है वो भारत के 63% हिस्से और भारतीय जनसंख्या के 78% भाग का वो डायरेक्ट रूप से कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, इसके साथ साथ जो भारत का बचा हुआ क्षेत्र था और बची हुई जनसंख्या थी उस पर भी ये अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई प्रभाव डाल रही थी। और अब जो ईस्ट इंडिया थी अब ये कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया है अब मतलब 1857 में लगभग पूरे भारत का जो कंट्रोल था वो इसके अधीन था। ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में देखो क्या है, जो वास्को डी गामा का जन्म कहा हुआ एक नोबल फैमिली इन साइंस पुर्तगाल के साइंस शहर में एक अमीर घराने में इनका जन्म हुआ। जब ये भारत में आए थे तो पोर्तुगीज़ ये मानते थे कि जो इंडियन ओशियन है वो किसी और सी से नहीं जुड़ा है। जब वास्को डी गामा भारत से निकले 29 अगस्त 1498 को तो भारत से बहुत सारी चीज़ें और जो भारतीय उपहार हैं वो अपने साथ ले गए। अब जब वास्को डी गामा यहाँ से अपने देश पहुँचे तो जो पुर्तगाली किंग थे उन्होंने इनको एक हीरो की तरह नवाजा और इनको बहुत सारे गिफ्ट दिए। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको पढ़ें, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।